गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास टू सब्जेक्ट मैथ टू टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवेन डिजिट फ्रॉम द गिवेन डिजिट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू नाइन टू और नाइन से हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर तो टू और नाइन से आप लोग बना सकते हो ग्रेटेस्ट रिजिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा नाइन्टी टू अगर टू नाइन ट्वेंटी नाइन हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और नाइन्टी टू नाइन और टू बनाएंगे नाइन्टी टू क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इस तरह से आप लोग को एक साइड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है दूसरे साइड क्या लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर पहले आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है दिए गए नंबर से सेकेंड एग्जाम्पल थ्री और नाइन है तो नाइन थ्री और नाइन अगर हम बनाएंगे तो थर्टी नाइन बन बनेगा और नाइन और थ्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा नाइन्टी थ्री नाइन्टी थ्री इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड थर्टी नाइन इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जाम्पल थ्री ज़ीरो थ्री नाइन ये तीन नंबर से हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको आप अरेंज करके आपको बारी बारी से देखोगे अगर हम लोग थ्री नाइन ज़ीरो करते हैं तो थ्री हंड्रेड नाइन्टी बनता है अगर हम नाइन थ्री जीरो करते हैं तो नाइन हंड्रेड थर्टी बनता है सो नाइन हंड्रेड थर्टी इज ग्रेटेस्ट नंबर तो हम ग्रेटेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड थर्टी और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड नाइन अगर हम थ्री हंड्रेड नाइन्टी भी बना सकते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा थ्री हंड्रेड नाइन फोर्थ एग्जाम्पल वन जीरो एट से बनाना है तब एट हंड्रेड टेन द ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर ऑफ जीरो जीरो नाइन तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा नाइन हंड्रेड अब इसको हमको सोचना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है इससे तो आप लोग सोचो थिंक अबाउट अब स्मॉलेस्ट नंबर इससे हम लोग क्या बना सकते हैं नाइन जीरो नाइन्टी भी हो सकता है ज़ीरो नाइन जीरो या नाइन्टी भी बन सकता है तो हम इसको बना सकते हैं नाइन पहले हम जीरो लिख लेंगे फिर नाइन फिर जीरो तो नाइनटी तो नाइनटी नंबर बन सकता है अब इस तरह से आप लोग को आज का होमवर्क करना है मेक द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट वंस एंड मेक द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट वंस ये दिए गए नंबर को आप लोग को रिपीट नहीं करना है एक ही बार इसे नंबर्स बनाने हैं जैसे कि मान लो ये थ्री नंबर है वन जीरो एट है तो इसको नंबर को एक ही बार लिखना है रिपीट नहीं करना है दैट्स ऑल थैंक यू